हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस गनगोरे। तो जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। हाय यूट्यूब फैमिली, एक्चुअली मुझे ना यूट्यूब पे ब्लॉग कैसे बनाते मुझे आता नहीं है। बस मैं तो ये खाली इशू के लिए कर रहा हूँ, उसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। बस उसके साथ एक कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसके कारण वो 2 दिन से खाना भी नहीं खाया उसने, और बस बैठे रो रही है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। चले मम्मा को देखें, क्या मम्मा अभी भी रो रही? क्या देखें जरा। ओ बाप, ये तो अभी भी रो रही है। आओ तो अभी हो मम्मा के पास, चलो ऊपर बेड पे, चलो आओ बेड पे, आओ बेड पे, आओ क्या हुआ? अरे बाबा, जो चीज चली जाती है वापस आती है क्या? हाँ, उसमें इतना क्या रोना? आप बोलो कब कब जाना है। मैं डेली, बस अभी जिम क्लोज है लॉकडाउन की वजह से। जब तक मैं फ्री हूँ घर पे, आप बोलो अपन रोज चलेंगे। ओके डियर, इधर देखो, अब रोना नहीं, चलो 12 बज गई है, अब सोने का टाइम हो गया है। ठीक है, व्यू मम्मा को किसी करो, मम्मा को बोलो चलो मम्मा अब सोएंगे अपन। हाँ, ये आंसू पूछो मम्मा के। व्यू मम्मा से पूछो क्यों रो रहे हो, पूछो तो। मम्मा को बोलो कि वीडियो जो डिलीट हो गई ना, मम्मा वापस आ जाएगी। बोले नहीं तो और बना लेंगे, पापा बोल रहे ऐसा, रोज चलेंगे वीडियो बनाने अपन। ओके मत रो मम्मा, बोलो। हाँ रोते नहीं है, बोले अपन फिर से बना लेंगे वीडियो, बस। हाँ वहाँ कर लो, किसी कर लो, मम्मा को मत रो। मम्मा बोले वीडियो तो है और बना लेंगे अपन, पापा बोल रहे हैं ना, बोले रोज जाएंगे आपके साथ वीडियो बनाने, बोल दो। चलो रोते नहीं मम्मा को, पा कर लो, किसी कर लो, और मम्मा को बोलो अब सो जाओ, रात को 2 बज गई है। चलो मम्मा सो जाएगी, चलो आप सो जाओ। hey guys, तो देखिए सुबह जो उसके कारण उसने खाना भी नहीं खाया है ना, तो बहुत ज्यादा अपसेट है, तो मैं उसके लिए मैगी बना रहा हूँ, और आप लोगों को भी खानी है तो प्लीज आप आ जाइए। तो प्लीज 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 आप ट्राई कीजिए कि यीशु हम इसके ऊपर छोटा सा एक स्माइली बना देते हैं जिससे भी वो थोड़ा सा खुश हो जाए। ओ तो आप सब लोग देखिए, मैंने यीशु के लिए गरम गरम मैगी बनाई है और स्माइली फेस के साथ। अब देख यीशु, अब तो 4 बज गई है बेटा, मैगी खा लो प्लीज, मैंने बनाई है आपके लिए। ये देख सकते हैं आप लोग, घड़ी में 4 बज रहे हैं और ये अभी तक उसी टेंशन में है। ये लीजिए खाइए। नहीं नहीं नहीं, अगर आप प्यार करते हो मुझसे तो और व्यू से तो आपको खाना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं। ठीक है खाओ, एक बाइट लो। हाँ ये चलो अब खाएंगे। तो फैमिली, अब आप सब लोग जो जो यीशु गनगोरे को लाइक करते हैं या आप उनकी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है, प्लीज़ 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 आप कमेंट में यीशु को रोना, ये रोने से या खाना नहीं खाने से वीडियो वापस आती है क्या? नहीं आती है ना, नहीं बना लेंगे। मैं तो कब से फोर्स कर रहा हूँ उसको, चलो वापस से नहीं बनाते, बाकी वो ही नहीं मान रही है। मैंने भी खूब समझाया उसको, बट वो पुरानी वीडियो कर रही है, बाकी अभी ठीक है। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इसी को जरूर समझाएं आप लोग। पहली बात मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। मैंने जैसे आपको नेक्स्ट व्लॉग में कहा था कि हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, हम लोग खाना वाना खा के सो जाएंगे अब, बट ऐसा नहीं होता। जैसे जीजू खाना खाते हैं मुझे बोलते हैं अपन ड्राफ्ट के वीडियोज़ देखते हैं कि कैसे क्या शूट हुआ। जैसे मैं ड्राफ्ट वीडियो देखने जाती हूँ तो मेरे सारे ड्राफ्ट वीडियो उड़ चुके थे, मतलब है ही नहीं, सडनली ऑटोमेटिक डिलीट हो गए थे। मेरा सिर्फ फ़ोन अपडेट हुआ है और मेरे ऑटोमेटिकली सारे ड्राफ्ट वीडियो उड़ गए। तो मतलब मैं एकदम शॉक्ड में थी कि ये क्या हो गया।
क्योंकि मेरे 400 वीडियो उसके अंदर शूट करके रखे थे, मैंने 4-5 कोलाब्रेशन शूट करके रखे थे। और आपको पता ही, मैं अभी कि जैसे गांव गई थी उसकी कुछ मेमोरीज, इसके पहले कि मेरे फ्रेंड्स लोग आए थे इंदौर, उनके सारे वीडियोज़, मतलब मैंने सोचा था मैं धीरे धीरे करके पोस्ट करूँगी, बट मेरे लिए वो शॉक वाला मोमेंट होता है कि एकदम से सडनली कैसे चले गए। फिर मैंने इंस्टाग्राम में रिपोर्ट भी किया था कि मुझे मेरे ड्राफ्ट बुक चाहिए, मेरे ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए, बस उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है मुझे। पता नहीं आप लोग ये चीज़ समझोगे या नहीं, बट बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, मैं सीरियसली बता रही हूँ। मुझे मतलब इतनी दूर जाके ट्रबल करना, फिर आना, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मुझे फिर जीजू ने भी काफ़ी समझाया, मम्मी ने भी काफ़ी समझाया, मेरी सासू माँ ने भी कि बना लेंगे, और मतलब एटलीस्ट मैंने 2 दिन तक कुछ खाया नहीं, मुझे इतना रोना आ रहा था, क्योंकि यार तकलीफ़ होती जब इतने उससे हम वीडियो बनाते हैं और वो फिर सडनली सारी वीडियो चले जाना, मतलब फिर जीजू ने मुझे काफ़ी उस तक समझाया कि मैं हूँ, अपन और बना लेंगे, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो जीजू ने कुछ मोमेंट ऐसे कैप्चर कर लिए, तो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों के साथ ये सारी बात शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग डाल दिया। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।